इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे HAL और DRDO के EMCA के बारे में हम बात करेंगे, जिसका जो डेवलपमेंट है वो भारत के किसी दूसरे प्रोग्राम के कंपैरिजन में काफी पेस पे आपको दिखने वाला है आने वाले टाइम पे। इसको लेके जो IAF है वो काफी कमिटेड है, क्योंकि इस तरह के एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो नीड ऑफ द आवर है, अगर जो आपकी प्लानिंग है वो ऑफेंसिव मिशन की है तो। सो जैसा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है आपके पड़ोसी देश में, जैसे कि चीन में, तो वहाँ पे भी जो उनका कंप्लीट 5th जनरेशन फाइटर है जो कि FC-31 के रूप में रहेगा, उसका डेवलपमेंट भी काफी आगे है। सो कहीं कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए ये एक जो भारत का फाइटर प्रोग्राम रहेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने टाइम पे ही कंप्लीट होने जा रहा है। अटली जो पहली फ्लाइट है GE के इंजन से वो जरूरी टाइम पे कंडक्ट होगी, जो कि प्लान भी किया गया है 2025-26 तक। और वो चीज़ तभी संभव है जब एक सही टाइम पे जो CCS का अप्रूवल है वो मिल जाता है, और इतना हम सभी जानते हैं कि जो अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है। उम्मीद यहाँ पे ये है कि इस साल के अंत तक जो अप्रूवल है CCS का AMCA के लिए वो दे दिया जाएगा। पर्टिकुलरली PM भी इस प्रोग्राम को लेकर काफी एक्टिव है, तो इस साल के अंत तक जो PM का अप्रूवल है CCS में वो यहाँ पे इसको मिलेगा। इसको लेकर एक नया डेवलपमेंट है वहाँ पे हम बात करेंगे, जहाँ पे DRDO ने जो एक प्रोसेस है MCA के लिए A2 रिफ्यूलिंग प्रॉप को डेवलप करने का वो शुरू किया है। और DRDO का जो एक नया इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का, जिसके अंतर्गत वो किसी प्राइवेट फर्म को इनकरेज करते हैं नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे TDF के द्वारा ही जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है MCA के A2 रिफ्यूलिंग प्रॉप को डेवलप करने का वो जल्द ही इशू किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट के लिए ब्रीफिंग है वो दे दी गई है, और जो भी वेंडर इस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। तो AMCA के लिए जो रिफ्यूलिंग प्रॉप है वो रिट्रैक्टेबल रहेगा, जिसका जो स्ट्रक्चर है प्रोब के ऊपर का जो पैनल है वो ऐसा दिया जाएगा जो कि कंप्लीट ब्लेंड हो जाए एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में। तो ये एक आर्टिकुलेटेड प्रोब एंड रोक सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जो रिफ्यूलिंग पॉसिबल होगी वो अमेरिकन बूम रिफ्यूलिंग की तरह नहीं है, जिस तरह की रिफ्यूलिंग IAF ऑलरेडी करती हुई आ रही है अपने टैंकर एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट पे, या फिर बडी टू बडी रिफ्यूलिंग पॉड का इस्तेमाल करके। तो उस तरह का जो रोक सिस्टम है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा AMCA को रिफ्यूल करने के लिए। तो जो एक फिजिबिलिटी स्टडी है वो कंडक्ट की जा रही है। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो टाइमलाइन है वो अराउंड 1 ईयर का है। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और सिस्टम के बारे में, जो कि TDF के अंतर्गत ही डेवलप किया जाएगा, और ये सिस्टम है ARP पॉड, A2A रिफिलिंग पॉड। तो बेसिकली जो इस तरह के पॉड होते हैं वो आपके एयरक्राफ्ट के विंग, चाहे वो टैंकर एयरक्राफ्ट हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उनके विंग पे आप माउंट करके किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर के थ्रू फ्यूल को आप भेजते हो होज के माध्यम से, और ये तब संभव हो पाता है जब एक लॉकिंग होती है मेल फीमेल सेंसर की, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके होने के बाद जो सप्लाई है प्रेशर से वो की जाती है। तो जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग पॉड होगा उसकी जो असेंबली होगी वो कुछ इंटरनली आपको ऐसे दिखेगी, जहाँ पे एयरक्राफ्ट के विंग से फ्यूल लेने के लिए जो सप्लाई है टॉप पे आपको दिख रही होगी। यहीं पे जो होज ड्रम है वो दिया गया है, जो कि एक लंबे कनेक्शन को रैप किया होगा, और उसके एंड पे जो ड्रूग असेंबली है वो दी गई होती है, और ड्रूग असेंबली के अंदर जो लॉकिंग सिस्टम है IFR प्रोब को लॉक करने के लिए वो दिया गया होता है। यहीं पे जो पावर सप्लाई है होज को अनफ्लर करने के लिए वो दी गई है, और वो प्रोसेस कब कंप्लीट हो रहा है उसके लिए जो एक सिग्नल लैंप है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। कपलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहीं पे जो वेन पंप है वो दिया गया है, और जो फ्यूल कंट्रोल वाल्व है वो दिया गया है, जो कि फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। जिस तरह के प्रेशर से आपको रिक्वायरमेंट है फ्यूल को भेजने की, वो चीज यहाँ से सेट की जा सकती है वेन पंप की हेल्प से। और इन सबको डिजिटली कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम जो रैम एयर टर्बाइन है वो दिया जाएगा एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इस तरह का जो पॉड है या फिर AMCA का जो IFR प्रोब है, उनका डेवलपमेंट काफी क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूल की सप्लाई होगी उसका प्रेशर 40 PSI से लेके 80-90 PSI तक जा सकता है, जितनी आपकी अर्जेंसी है उसको देखते हुए। अगर जो आपको फ्यूल की सप्लाई है वह कम समय में करनी है किसी मिशन के टाइम पे, तो कपलिंग कंप्लीट होने के बाद एक हायर प्रेशर से आप फ्यूल को भेजोगे। तो इन दोनों को लेकर जो रिग्रेस टेस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।